गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जीके में लर्न करने वाले हैं। तो बच्चों, हम क्या लर्न करने वाले हैं? हम लर्न करने वाले हैं वेबसाइट्स। क्या लर्न करने वाले हैं? वेबसाइट्स। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारी कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं। देखिए, फर्स्ट वेबसाइट्स है आपकी व्हाट्सएप। क्या बोलेंगे इसको? व्हाट्सएप। सेकंड है ट्विटर। क्या? ट्विटर। थर्ड है गूगल। क्या है बच्चों? गूगल। फोर्थ पे है आपका फेसबुक। क्या है? फेसबुक। एंड फाइव नंबर पे कौन सी वेबसाइट है? याहू। क्या है? याहू। तो देखिए, फर्स्ट है व्हाट्सएप, सेकंड ट्विटर, थर्ड गूगल, फोर्थ फेसबुक, फिफ्थ याहू। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है। पर ये बताने से पहले, सबसे पहले हम इनके स्पेलिंग्स को एक बार पढ़ लेते हैं। तो व्हाट्सएप की स्पेलिंग क्या होती है? WHATSAPP, व्हाट्सएप। ट्विटर TWITTER, TWITTER। गूगल GOOGLE, फेसबुक FACEBOOK, फेसबुक। याहू YAHOO, याहू। व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, याहू। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है? अभी मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। तो व्हाट्सएप आप जानते होंगे, व्हाट्सएप का आप यूज़ भी करते हो। तो व्हाट्सएप का यूज़ क्या होता है? हम चैटिंग कर सकते हैं, ये एक चैटिंग ऐप है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, और अपने फ्रेंड से बातें भी कर सकते हैं चैटिंग के थ्रू, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है ना व्हाट्सएप का यूज़। और व्हाट्सएप पे हम लोग अभी अपने स्कूल का ग्रुप भी तो है, आपके स्कूल के ग्रुप पे हम होमवर्क भी भेजते हैं। तो वो कौन सी वेबसाइट से भेजते हैं? व्हाट्सएप पे भेजते हैं, है ना? सेकंड ट्विटर। क्या है बच्चों? ट्विटर। ट्विटर का यूज़ होता है कि हम अपने ट्विटर पर आईडी बनाकर अपने थॉट डाल सकते हैं, या फिर किसी भी सेलिब्रिटीज़ या किसी के भी थॉट को पढ़ सकते हैं। समझ में आया आपको? थर्ड है गूगल। गूगल का यूज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। गूगल का यूज़ क्या होता है? गूगल पर हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, जो चीज़ हमको नहीं आती है, या फिर हम कोई भी वीडियोस वगैरह को भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल एक सर्चिंग ऐप है। गूगल क्या है? एक सर्चिंग वेबसाइट्स है। फेसबुक, फेसबुक क्या होती है? फेसबुक पर हम अपने फ्रेंड्स को ढूंढ कर, मतलब आप अगर आपके फ्रेंड्स की फेसबुक पर आईडी है, तो हम अपने फ्रेंड को ढूंढ कर उसे बातें भी कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पर, चैटिंग भी कर सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है? और फिफ्थ है याहू। याहू भी एक सर्चिंग ऐप है। याहू पर भी हम सर्च कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, याहू। तो अभी आपने जाना कि व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, याहू। तो आप लोगों ने जाना कि व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, याहू क्या होता है, इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इनके जो लोगो यानी सिंबल होते हैं, मैं आपको उनके पिक्चर दिखाती हूँ। आपको पता है ना कि जो लोगो या सिंबल का मतलब क्या होता है? कि हम व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, याहू, इन सारी चीज़ों को किस उनकी पहचान क्या होती है ना? जब हम इनको डाउनलोड करते हैं या इनको सर्च करते हैं, तो व्हाट्सएप का जो लोगो होता है, हम उसको देख के पहचान जाते हैं कि यह व्हाट्सएप है ना? तो चलिए अब मैं आपको इनकी लोगो की पिक्चर दिखाती हूँ। बच्चों, ये है व्हाट्सएप का लोगो।
क्या है? व्हाट्सएप का लोगो। समझ में आया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है ट्विटर का लोगो। किसका लोगो? ट्विटर का। ये ट्विटर का सिंबल है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गूगल का सिंबल। क्या है? गूगल का सिंबल, गूगल का लोगो। ठीक है, हम इसके थ्रू गूगल को जानते हैं। ये है फेसबुक का लोगो। फेसबुक का लोगो। समझ में आया? और बच्चों ये है याहू। क्या है? याहू। याहू का ये सिंबल है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के वेबसाइट्स को लर्न करते हैं बच्चों। ये है आपके आगे की वेबसाइट्स। तो क्या है? इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब, विकिपीडिया और लिंक्डइन। इसको क्या बोलते हैं? लिंक्डइन। इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब, विकिपीडिया और लिंक्डइन। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की स्पेलिंग क्या है? INSTAGRAM। इंस्टाग्राम, जीमेल, GMAIL। यूट्यूब, YOUTUVE। यूट्यूब। विकिपीडिया, WIKIPEDIA। विकिपीडिया। लिंक्डइन, LINKEDIN। लिंक्डइन। तो आपको ये समझ में आया अच्छे से? तो इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब, विकिपीडिया, लिंक्डइन। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जैसे 6 नंबर पे है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे क्या होता है? इंस्टाग्राम पे भी हम आईडी बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स को हम उस पर फॉलो करते हैं, यानी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं हम उनको भी उस पर फॉलो करते हैं, और सेलिब्रिटीज़ अपने पिक्चर्स वगैरह या अपना डेली रूटीन वगैरह डालते हैं, तो हम उन इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम भी फेसबुक की तरह ही होता है, जिस पर हम चैटिंग भी कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं और वीडियोज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम हो गया। जीमेल, जीमेल का क्या यूज़ होता है? जीमेल पर हमें अपनी आईडी बनानी होती है और उसको गूगल पर या जीमेल पर लगानी होती है, जिसके थ्रू हम अपनी सारी वेबसाइट्स को चलाते हैं। ठीक है, और यूट्यूब, यूट्यूब तो आप जानते हो, यूट्यूब पर हम कोई भी वीडियो सर्च भी कर सकते हैं और अपना यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपनी वीडियोस को भी डाल सकते हैं। जैसे आपके स्कूल का चैनल है ना, KPS क्लासेस, उस पर आपके सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो हैं, है ना? तो हम आपकी सब्जेक्ट की वीडियो यूट्यूब पर डाल देते हैं और उसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर देते हैं, जिससे आप अपने सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। और विकिपीडिया क्या होता है? विकिपीडिया पर हम किसी भी पर्सन की, जैसे जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं या पॉलिटिकल पर्सन वगैरह होते हैं, हम उनकी विकिपीडिया पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लिंक्डइन पर क्या होता है? इस पर हम अपना ये ऐप, जो ये जो वेबसाइट होती है, हम उस पर लिंक्डइन पे हम अपनी आईडी बना सकते हैं और आईडी बनाकर हम उसमें जॉब वगैरह के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब, विकिपीडिया, लिंक्डइन। तो आपको ये समझ में आए? तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी पिक्चर, इनके लोगों की पिक्चर। देखिए, ये है इंस्टाग्राम का लोगो। क्या है? इंस्टाग्राम का लोगो। बच्चों ये है जीमेल का लोगो। आप लोगों ने देखा होगा आपके फ़ोन में जीमेल का एक ऐप है, जिस पर इसी तरीके से लोगो बना हुआ है ना?
और ये क्या है, ये तो आप लोग जानते हो, ये है YouTube का लोगो। आप लोग YouTube पर आप जब भी वीडियोस देखते हो तो YouTube पर ओपन करते हो YouTube को, तो आपको इसी तरीके का रेड कलर का लोगो दिखता होगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है विकिपीडिया का लोगो। किसका लोगो है ये? विकिपीडिया का। समझ में आया आपको? और बच्चों ये है लिंकेजिन का लोगो। किसका? लिंकेडिन का लोगो। तो आपके वेबसाइट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ऑल वेबसाइट्स नेम अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखनी है। ओके, गुड बाय।